दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सिर्फ 4 साल में आपके पैसे को 2 गुना करने की ताकत रखता है। यानी कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो वो 1 लाख रुपए बढ़ के 2 लाख रुपए हो सकता है सिर्फ 4 साल में। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की बात करें तो ओवरऑल इसने पिछले 3 साल में दोस्तों 35% का रिटर्न दिया है, और आज तक जब से ये शुरू हुआ तब से लेकर आज तक इसकी बात करें तो इसने ओवरऑल 23% का रिटर्न दिया है दोस्तों, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न रहता है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ 500 रुपए से अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म इस 500 रुपए के SIP को कंटिन्यू करते हैं तो दोस्तों 30 साल में ये सिर्फ 500 रुपए का SIP बढ़ के आपका 1,10,00,000 रुपए हो सकता है। दोस्तों स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इस म्यूचुअल फंड के बारे में उनको भी पता चल सके। दोस्तों इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, हम एक बार आपको एक बार बता देना चाहते हैं कि जो म्यूचुअल फंड है वो मार्केट के ऊपर पूरा डिपेंड होता है। दोस्तों मार्केट जितना ऊपर जाता है म्यूचुअल फंड भी उतना ऊपर जाता है, और उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता है, और अगर मार्केट क्रैश किया तो म्यूचुअल फंड भी क्रैश कर सकता है और आपको लॉस बुक करना पड़ सकता है। पर दोस्तों अगर हिस्ट्री देखें इस म्यूचुअल फंड की तो इसका रिटर्न अब तक इसका जो रिटर्न रहा है वो बहुत अच्छा खासा रहा है दोस्तों, और इसीलिए हम आपको ये म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक म्यूचुअल फंड जिसका नाम है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये जो फंड है दोस्तों ये मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है और यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न देता है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और इस फंड का डिटेल में रिव्यू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये दोस्तों ये जो फंड है वो इक्विटी के कैटेगरी में आती है। जिन लोगों को नहीं पता इक्विटी क्या होती है हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। दोस्तों जो म्यूचुअल फंड है उसको 3 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है इक्विटी, दूसरा होता है दोस्तों डेब्ट, और तीसरा होता है हाइब्रिड। अब इक्विटी क्या होता है दोस्तों इक्विटी एक बहुत ही रिस्की कैटेगरी होती है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा जितना ज्यादा रिटर्न होने के चांसेस होते हैं आपको उतना लॉस होने के भी चांसेस होते हैं दोस्तों, इसलिए बहुत फ्लक्चुएट करता रहता है। दूसरा होता है दोस्तों डेब्ट। डेब्ट फंड वो होता है दोस्तों जहां पे आपको थोड़ा सा FD से ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, पर यहाँ पे दोस्तों रिस्क बहुत कम रहता है दोस्तों। तीसरा होता है हाइब्रिड फंड। अब हाइब्रिड फंड क्या होता है दोस्तों, ये इक्विटी और डेब्ट दोनों का मिक्सचर है दोस्तों, यानी कि आपका रिस्क भी कम जाएगा और उस हिसाब से आपका रिटर्न भी कम जाएगा। पर दोस्तों अगर आप एक SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं खुद आपको जरूर इक्विटी फंड का सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों SIP 500 रुपए का अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। पर अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि आपको 1 लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस केस में आप इक्विटी में अपना सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। ये मेरी पर्सनल सजेशन है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम इसका एक बार रिव्यू करते हैं। दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये इक्विटी के कैटेगरी में आती है, यहाँ पे मिड कैप लिखा हुआ है, और इसका जो रिस्क फैक्टर है बहुत ज्यादा रिस्की है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इसके रिटर्न की, तो आज तक का इसका जो अगर मैं जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दिया है दोस्तों, इसका आज तक का टोटल रिटर्न 23.26% ऑन एन एवरेज रहा है दोस्तों। पिछले 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 25.75% का रिटर्न, पिछले 3 साल में दोस्तों इसने रिटर्न दिया है 35.83% का, और पिछले 1 साल में इसने रिटर्न दिया है दोस्तों 31.13% का, 6 महीने में 22.53% का, 1 महीने में 7.51% का। यानी आपका FD का प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट जो 1 साल के लिए चल रहा है दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड ने सिर्फ 1 महीने में उतना आपको रिटर्न दे दिया है दोस्तों। ये होता है म्यूचुअल फंड का पावर। अगर आप ठीक टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इसके रेटिंग की। दोस्तों लोगों ने इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 स्टार का रेटिंग दिया है। इसका फंड साइज है दोस्तों 6,059.92 करोड़, यानी कि लगभग 6,060 करोड़ रुपए इसका फंड साइज है, यानी कि लोगों ने इसको 6,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है दोस्तों। अब मंथली SIP की बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आप सिर्फ 500 रुपए से यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं,
और एक बार हम इसको कैलकुलेट करके देते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता एक साल पहले, तो अगर 1,00,000 रुपए आपने यहाँ पे एक साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो बढ़ के हो गया हो दोस्तों 1,31,130 रुपीज। और अगर इसी 1,00,000 को आपने 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका पैसा बढ़ के हो जाता दोस्तों 2,50,000 रुपए। और अगर आपने इसको 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका यही 1,00,000 रुपए 3 गुना होके हो जाता दोस्तों 3,14,442 रुपए। इतना पावरफुल होता है दोस्तों ये म्यूचुअल फंड। पर ये तो बात रही दोस्तों कि हमने अगर पास्ट में इन्वेस्टमेंट किया होता तो इतना होता, पर अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या हमें सेम रिटर्न आने के चांसेस हैं, इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसकी बात करते हैं इसकी कुछ होल्डिंग्स की, यानी कि ये म्यूचुअल फंड आपने अगर अपने पैसा निवेश करेंगे तो उसको कौन कौन से कंपनी में ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में आ जाता है, इसमें इसका इन्वेस्टमेंट है 10.2%। फिर जियो फाइनेंशियल सर्विस में 9% का, फिर जोमेटो में 8.2% का, ऐसे इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। ये सारे के सारे कंपनी जो है वो मिड कैप कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब होल्डिंग एनालिसिस में आते हैं, तो जैसे कि हमने आपको बात किया था ये पूरा इक्विटी के अंदर आता है, तो 97.4% अपना मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में आ जाता है दोस्तों। अब दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट कुछ चीजों के बात करते हैं। इसका पीई रेशियो आप देख सकते हैं दोस्तों 44.28 का, जो कि एक बहुत ही शानदार पीई रेशियो माना जाएगा। अब दोस्तों ये पीई रेशियो होता क्या है दोस्तों, पीई रेशियो से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है या नहीं। हालांकि पी रेशियो से हम ये गारंटी से नहीं बोल सकते कि आने वाले टाइम से हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, हाँ पर एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि अगर पी रेशियो 30 या फिर 30 से ऊपर है तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और हमें आने वाले टाइम में भी अच्छा रिटर्न आने के चांसेस हैं। जैसे कि हमने आपको दिखाया जब से ये फंड शुरू हुआ तब से लेकर आज तक इसका ऑन एन एवरेज जो रिटर्न रहा है दोस्तों वो 23% रहा है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि आज मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा और 2-3 दिन बाद मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तो शायद ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लानिंग कर रहे हैं तब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अब जरूर बेनिफिट रहने के आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.66% है, इस इन जीएसटी को मिला के होता है दोस्तों। इसका एग्जिट लोड अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना पैसा और 15 दिन के अंदर अगर आप एग्जिट कर रहे हैं दोस्तों तो आपको 1% का चार्ज यहां पे देना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों इसके टैक्स इम्प्लीकेशन पे। रिटर्न्स आर टैक्स 15%, आपका जो भी रिटर्न होगा वो 15% के हिसाब से यहाँ पे आपको टैक्स गिर जाएगा दोस्तों। इसका कंडीशन क्या है कि अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको 15% का टैक्स गिर जाएगा। और अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ गिरेगा दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि 10% होता है। और इसका भी कंडीशन यह है दोस्तों कि अगर आपका इनकम 1,00,000 से ज्यादा हुआ होगा, तो जैसे कि मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया, मान लीजिए अगले साल वो बढ़ के 2,00,000 हो गया, तो यहां पे आपको LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। और अगर ये डबल नहीं होता है, यानी कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,00,000 आपको जनरेट करके नहीं देता है, तो उस केस में आपको LTCG देने की जरूरत नहीं होता है दोस्तों। अब यहाँ पे तो दोस्तों हमने यहाँ पे तो देख लिया कि ये किस तरह का है, किस इसका पी रेशियो हमने देखा, इसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा। अब चलिए दोस्तों हम एक चीज कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने SIP के कैलकुलेटर पे। यहाँ पे दोस्तों हम दो तरह का कैलकुलेशन करेंगे, पहले लॉन्गसम इन्वेस्टमेंट का, फिर दोस्तों हम आएंगे SIP के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप लॉन्गसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, हालांकि दोस्तों ये थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि ये एक ही म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि इसका ओवरऑल रिटर्न 23% रह रहा है, पर फिर भी हम इसको मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों हम इसको 20% मान के चलते हैं, इतना तो हमें यहाँ से मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसको 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20% के हिसाब से आपका, देखिए दोस्तों आपने इन्वेस्टमेंट किया था 1,00,000 रुपए, वो बढ़ के हो जा रहे हैं दोस्तों 2,07,360 रुपए, यानी कि सिर्फ
चार साल में आपका पैसा दोगुना हो जा रहा है दोस्तों। और अगर आपका रिटर्न इसी तरह से 30-35% के आसपास रहा तो आपका पैसा लगभग 2.5 से 3 साल के अंदर ही दोगुना हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम वो चीज के ऊपर जिसका रिस्क आप ले सकते हैं, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। दोस्तों अगर यहाँ पे आप हर महीने सिर्फ 500 रुपए का रिस्क लेते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपने 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और वो पूरा जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप एक लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करते हैं, जैसे कि 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, इस तरह का प्लानिंग करते हैं और हर महीने पूरे शिद्दत के साथ सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दोस्तों चलिए हम इसका एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम पहले जाएंगे SIP पे। SIP पे दोस्तों हम इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट चूज करेंगे जो कि होता है दोस्तों 500 रुपए। मान लीजिए आप सिर्फ 500 रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका एक बार अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमने 500 डाल दिया है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम यहाँ पे 20% ही रखा है, इसका हम चेंज नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इसको मान लीजिए 10 साल तक के लिए कंटिन्यू करते हैं तो दोस्तों 10 साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों 60,000 रुपए और आपको यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों वो 1,91,182 रुपए। यहाँ पे आपको टैक्स यहाँ पे घट के इसका वैल्यू थोड़ा घट जाएगा टैक्स कटने के बाद। और दोस्तों अगर आप इस अमाउंट को मान लीजिए आप 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि हर महीने 50,000 रुपए 20 साल के लिए, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया 1,20,000 रुपए कुल मिला के और आपको मिल रहा है 15,80,000 रुपए। और दोस्तों अगर आप इसको 30 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे आपको कितना ज्यादा पैसा रिटर्न मिलेगा। देखिए 26, 27, 28, 29, 30 आपको मिल रहा है दोस्तों, आपने इन्वेस्टमेंट किया 1,80,000 रुपए, आपको मिल रहा है दोस्तों 1,16,80,401 रुपए 20% के हिसाब से। अब दोस्तों अगर आप इसको 23% मान के चले जो उसके ऑन एन एवरेज रिटर्न है, तो अगर दोस्तों हम इसको 23 कर देते हैं 23%, तो देखिए अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको मिल रहा है दोस्तों लगभग 2.5 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड का पावर। तो अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खुद के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए करना चाहते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड है दोस्तों। फिर भी अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार इसके रिलेटेड पूरे डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़िए। हम इसकी कोई गारंटी नहीं लेते हैं कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये मिड कैप इक्विटी फंड है, ये हाई रिस्क के कैटेगरी में आती है। तो अगर आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि चलिए मैं 500 रुपए डोनेट कर दे रहा हूं, जाएगा या आएगा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उस केस में आप इसको शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपका दिन मंगलमय हो। इसी तरह का इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद दोस्तों।